वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर WWE के इस हफ्ते का स्मैकडाउन शुरू होगा। और आज होने वाला WWE का स्मैकडाउन शो USA नेटवर्क पर WWE का पहला स्मैकडाउन होगा। गाइस, यहां पर पिछले 5 सालों से WWE का स्मैकडाउन शो WWE फॉक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रही थी, बट 5 सालों के बाद आज पहली बार USA नेटवर्क के ऊपर WWE का स्मैकडाउन आने वाला ही। और क्योंकि ये यहां पर सीजन प्रीमियर एपिसोड है, तो इसीलिए इस एपिसोड के ऊपर पॉसिबली काफ़ी कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती है। और हो सकता है आज स्मैकडाउन के ऊपर WWE का कोई बड़ा रेसलर डेब्यू या रिटर्न करे। बट इसके अलावा शो के ऊपर WWE के अंदर आंद्रादे एल इडोलो आज यहां पर कार्मेलो हेस को फेस करेंगे, तो वहीं केविन ओवेंस उनके मिस्ट्री पार्टनर के साथ हमें यहां पर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और शो के मेन इवेंट के ऊपर WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी उनका टाइटल सोलो सगवा के खिलाफ डिफेंड करेंगे, जो यहां पर नॉर्मल टाइटल मैच ना होके बल्कि स्टील केज टाइटल मैच होने वाला। और डेफिनेटली आज यहां पर सीजन प्रीमियर स्मैकडाउन के ऊपर शो पर कुछ ना कुछ तो क्रेजी चीजें जरूर होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 के अंदर फॉक्स के ऊपर पहले एपिसोड के ऊपर ही ब्रॉक लेसनर कॉफी को हराकर WWE के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बने थे। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्मैकडाउन के ऊपर हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट होती है या नहीं। वाल आपको क्या लगता है स्मैकडाउन पर इन 3 मैचेस के अलावा शो के ऊपर क्या क्या चीजें होंगी, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। और गाइस, ब्रॉक लेसनर के महीनों तक गायब रहने के बाद क्या ब्रॉक लेसनर उनका रिटर्न करते हैं या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।